चलें स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवाज बड़ा आ रही है सबको? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा आवाज आ रही है? चलें, ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने एक सिनेरियो नया दिया था, इससे स्टार्ट करें यार। तो ट्राई किया सर? ये बेटा मैंने ना इसका जरा स्क्रीन देखिएगा, ओरिजिनल जो इसका क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने क्वेश्चन नंबर 3 का, उसका आंसर आपके सामने खोला हुआ। बताएंगे कहां कहां कोई चेंज नहीं आएगा? नहीं, ए और बी में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ नया चेंज किया था कि सी की जी में मैन्युफैक्चरिंग जब हो रही थी उसमें फिर जो लॉस आया था वो हमने नॉर्मल अज्यूम किया, ठीक है। और इसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सिर्फ चेंज इस वर्किंग में आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी में। तो ये जरा एक आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, लेकिन मैं जरा एक छोटी सी चीज जरा जरूर सुन लीजिएगा। अब ये भी जरा क्वांटिटी साथ साथ ध्यान में रखिएगा, 3001 600 रॉ मटेरियल कंज्यूम सी था, कितने केजी कंज्यूम हुए? 128। फिर इसकी फर्दर प्रोसेसिंग शुरू हुई, उसमें से 8000 केजी सब बाय प्रोडक्ट बनी। बाय प्रोडक्ट की तो रिकवरी वैल्यू एज इट इज लेस होनी है जैसे होती है, ठीक है यहां तक। लेकिन बट अब नेक्स्ट अगर हमने ये अज्यूम किया है कि नॉर्मल लॉस की बजाय अब नॉर्मल लॉस है, तो ये जो फिगर एक आई है 3724 यहां तक एज इट इज ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यही है ना। लेकिन अब इसकी क्वांटिटी कितनी कंसिडर होगी? अब ये 120 कंसिडर होगा, ठीक है। वहां क्या हुआ है साथ में, इसलिए प्लीज इकट्ठा लिखना चाहूं ताकि मैं कंपैरिजन कर सकें। क्या यहां भी एज ए फर्स्ट स्टेप ये कॉस्ट 96,000 केजीज की थी या 120,000 केजीज की? यहां भी 120 की थी, लेकिन वो एलोकेट हुई थी 96 पर, क्योंकि नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट करनी नहीं थी। लेकिन अगर ये नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल लॉस है तो अब ये 126,000 केजीज पे ही एलोकेट होनी है, और इसमें फिर जो एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट बनेगी वो उसमें से कैलकुलेट करके फिर हम एक लेस करके डबल एंट्री करेंगे। तो ये नॉर्मल लॉस को कॉस्ट दी जाती है, उसे कॉस्ट दी जाती है सर, और फिर उसकी कोई डबल एंट्री भी होती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से एंट्री भी फाइनल कर लें यार, क्या डबल एंट्री होती है? अब नॉर्मल लॉस डेबिट होगा और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट होगी। अब नॉर्मल लॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट परचेजेस के बजाय अगर फिनिश गुड्स का लॉस हो रहा है, देख लें स्टॉक अगर आपके जेन में आता है वो, तो फिर फिनिश गुड्स की अगर स्टॉक की बात करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आ जाता है, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर पीरियोडिक चल रहा है, ऐसे ही देख लें। क्या करें सर, अब इसमें से फिर लेस होना था सर, लेस एबनॉर्मल लॉस, और लेस से मेरा मतलब ये है कि एबनॉर्मल लॉस डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वैसे कह सकते हैं क्योंकि वर्क इन प्रोसेस नहीं है, लेकिन जरा एग्जैक्टली अगर मैं वर्ड लिखूं यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। अब इसकी अमाउंट कैसे डिटरमिन करें? क्लियर है एंट्री फाइनल? अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूं सर? 3724 डिवाइडेड बाय 120 और मल्टीप्लाइड बाय 24,000 केजीज ऑफ नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू हो गया ये 744960। तो इसकी तरह प्रेजेंटेशन सारी तरह एक मिनट देख लीजिएगा, यहां तक जरा फाइनल बता दें 2979840। अब फाइनली ये तो कॉस्ट लेस होगी 24,000 केजीज की,
तो ये फिर कितने केजीज की कॉस्ट आ गई, 96,000 केजीज की। तो ऑब्वियसली अब 96,000 केजीज का फिर अगर आपने पर यूनिट निकालना है तो फिर अब इस फिगर की बेस पे निकालेंगे। ये जो फिगर अब यहाँ से लेस हुई है, क्या ये फिगर आपको कहीं इनकम स्टेटमेंट में भी नजर आएगी और एग्जैक्टली किधर नजर आएगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में समवेयर इन द कॉलम ऑफ जी, सी को जी में कन्वर्ट करते हुए बना रहे तो एबनॉर्मल लॉस की कहीं हेडिंग होगी। और फिगर इज 744960, लेकिन ऑब्वियसली बट अब ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड नहीं आएगी यहाँ, इसकी जगह कौन सी फिगर आएगी बता दें, बता दें सही कौन सी आएगी? 2979 आएगी, और उसकी वजह से फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के चेंज होने से फिर कॉस्ट ऑफ सेल बदलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल के बदलने से ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस बदल जाएगा, और ये फिगर लेकिन एज इट इज रहेगी क्योंकि ये सेल्स की बेस पे थी जो ये सेलिंग एक्सपेंसेस की फिगर है। तो मैं जरा अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जरा पहले समझा से इतना दूं, क्लियर हो गया बारह? तो व्हाट इज द ओनली चेंज, शायद व्हाट इज द ओनली चेंज, वेयर इज द ओनली चेंज? जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी तो उस पर आप 120 की बेस पर यूनिट निकालेंगे और 24,000 को मेजर कर देंगे। एक आखिरी चीज जरा ज़हन में लें, अगर फर्स्ट करें इस एबनॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू भी होती, नहीं उसकी एंट्री बोला करें, इस तरह ना करें, अगर कोई रिकवरी वैल्यू होती तो फिर एबनॉर्मल लॉस से नेट ऑफ होके हमारी ये वाली फिगर जो इनकम स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ, ये फिगर फिर नेट ऑफ प्रेजेंट होती। ठीक है, अब कोई आपकी तरफ से अगर क्वेश्चन है तो बता दें। और सर जी नहीं डिवाइड किया उन्होंने, किस ये उन्होंने कौन है? तो सर जी अब क्लोजिंग स्टॉक है ही 96,000, किस जगह पे कह रहे हैं? नहीं जरा वर्किंग बता दे कौन सी। तो सर जी अब ये जो 2979 आ गया है, ये कितने केजी की कॉस्ट आ गई? 1,28,000 में से 8,000 बाय प्रोडक्ट निकल गई। नहीं नहीं एक मिनट, नहीं 120 ना, ये 120 में से 24,000 की कॉस्ट ये लेस हो गई 9744। तो अब ये जो फाइनली कॉस्ट है कितने 1,000 केजीज की रह गई? 1,28,000 का ब्रेकअप क्या, एक दफा बोल लेते, 8,000 उसमें से बाय प्रोडक्ट है वो निकली, उसको कॉस्ट देनी नहीं, उसकी रिकवरी वैल्यू लेस कर ली। ठीक है, उसमें 24,000 नॉर्मल लॉस था अगर, तो उसको कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो उसकी जब कॉस्ट एलोकेट कर ली आपने उसको लेस कर दिया, तो इट मींस 1,20,000 में से 24,000 लेस करके फाइनली अब ये कॉस्ट 96,000 केजी की रह गई। डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ? पहले ये जो आंसर आया था 3,724,800, ये कॉस्ट 120,000 केजी की थी लेकिन एलोकेट 96 में होनी थी, और इसके अगेंस्ट अब यहाँ क्या है, ये कॉस्ट है 120 की और 120 पे एलोकेट होनी है, लेकिन 120 का एक ब्रेकअप है, 96,000 केजीज पे भी एलोकेट होनी है और 24,000 केजीज पे भी एलोकेट होनी है। तो जब वो 24,000 केजीज की अब कॉस्ट लेस कर देंगे तो फाइनली पे ये कॉस्ट कितने 1,000 केजीज की रह जाएगी? 96,000 की रह जाएगी। ठीक है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट आपने वही फाइफो से करनी, बस ओपनिंग यूनिट्स बिक गए तो आप यहीं से पर यूनिट निकालेंगे 2,979,840 डिवाइड बाय 96 और मल्टीप्लाइड में मेरे ख्याल 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, समझ आ गया? कोई और सवाल तो नहीं? सर जी किया है सबने? चले सर, इसी में ना एक इसी से नेक्स्ट पेज पे जहां ये सिनेरियो आपको नजर आया था इसका आंसर था, एक बार मिक्सअप करके भी ट्राई कीजिएगा। पेज नंबर वही पेज बताइएगा, उससे अगला पेज जहाँ ये आंसर था ये। उस पे ना एक तो आपको बी सिनेरियो नजर आएगा, पेज 27 शायद है, इस चैप्टर का 12 है इसी चैप्टर का, लेकिन पेज नंबर ऑफ 26 या 27 जो भी अब है, इसमें आपको एक बी सिनेरियो नजर आएगा, पढ़ के बताएं अब इसमें क्या चेंज है। अज्यूमिंग दैट लॉस ऑफ सी व्हाइल फर्दर प्रोसेसिंग इनटू जी इज नॉर्मल अप टू 10% ऑफ इनपुट And the balance is abnormal loss. Calculator उठाएं जरा। अब अगर normal भी है और abnormal भी है
तो 128,000, वंस अगेन ये सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग वाला इशू इस वक्त आ रहा है, 128,000 जो केजीस है ये अब इनपुट बनी है फॉर जी, सही है, 128 को प्रोसेस कर रहे हैं हम, तो इसका 10% कैलकुलेट करें तो 12,800 फिर नॉर्मल हो गया, 96,000 केजीज ऑफ जी एज इट इज है, 8,000 केजीज ऑफ बाय प्रोडक्ट भी एज इट इज है, क्या कुछ केजीज मिसिंग है, कैलकुलेट करें जरा काइंडली, एक दफा कर लें जरा, 128 माइनस 96 माइनस 8 माइनस 12,800, अगर उसने कहा है कि नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है और उससे ज्यादा अगर लॉस हो गया है, कितना हो गया जी इससे ज्यादा, तो 11,200 को फिर क्या ज्यूम करेंगे अबव नॉर्मल लॉस, फिर ये नॉर्मल है, तो अगर ये नॉर्मल भी और अब नॉर्मल मिक्स हो जाए तो देन कैसे वर्किंग की जाती है, प्रिंसिपल बेटा वही है लेकिन फिर कैसे वर्किंग करेंगे, मेरा ख्याल है आप ट्राई कीजिएगा, मैं फिर ये कल डिस्कस करूंगा, कर लेंगे प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा है, सिर्फ अब नया इसमें क्या सिनेरियो आ गया कि नॉर्मल लॉस भी है और अब नॉर्मल लॉस भी है। मीनवाइल आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा जरा, उसका एक बी पार्ट रहता था। जी इसका पार्ट ए किया था रिवाइज्ड, एक नजर देख लें प्लीज, रजिस्टर को ने इसका पार्ट ए पसंदरा देख लें, आंसर देख लें, किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट थी, बी की जरूरत क्यों थी, किसकी फर्दर प्रोसेसिंग होनी है, पोलन की किसमें होनी है, क्या पोलन को एज इट इज बेचा जा सकता है, क्या सीड्स बना के भी बेचा जा सकता है, फिर इसकी एलोकेशन किस मेथड से करनी थी ज्वाइंट कॉस्ट की, एनआरवी मेथड से, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज आप इसमें, सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़े, आपसे एक एडवाइस मांगी जा रही है, एडवाइस सीएल वेदर इट शुड प्रोड्यूस सीड्स और सेल पोलन्स विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, अपना बिजनेस समझे, दोबारा लाइन पढ़े बताएं, अगर आपने खुद से डिसीजन लेना हो कि मैं पोलन एज इट इज बेचूं या पोलन्स को सीड्स में कन्वर्ट करके बेचूं, तो आप ये डिसीजन लेते हुए क्या सोचेंगे, रिक्वायरमेंट समझ गए वैसे क्या है? कि पोलन एज इट इज बेचे जाए विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग या पोलन्स को सीड्स में कन्वर्ट करके बेचा जाए, तो क्या करना चाहिए, हमें हमेशा एक प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए, अगर पोलन्स को एज इट इज बेचने का प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद के सीड्स में कन्वर्ट करके बना के बेचें, तो किस तरफ हमें जाना चाहिए, जहां प्रॉफिट ज्यादा, अगर पोलन को एज इट इज बेचने में प्रॉफिट ज्यादा है तो पोलन्स बना के बेचने चाहिए, और अगर फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद प्रॉफिट ज्यादा बनता है तो फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए, तो बेसिकली क्या कैलकुलेट हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी, करवाएं आए वर्किंग करें, सर जी सोचा करें, प्रॉफिटेबिलिटी If guns are sold without further processing,
क्वेश्चन के, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ काइंडली बार बार आपके जहन में आना चाहिए। दो जॉइंट प्रोडक्ट्स ही पोलन एंड स्टिग्मा, पोलन्स को फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है और सीड्स बना के बेचा जा सकता है, करवाना आपने प्लीज। प्रॉफिट निकालना, इनकम स्टेटमेंट बनाया जाए पोलन्स। जी सर, किसकी सेल क्वांटिटी बताएं। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप सर, 42,900 तो प्रोडक्शन है यार, क्या सेल भी इसी की होगी क्योंकि स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या क्या ना होने की वजह से क्या किसके बराबर है सर? प्लीज, क्या मेरा सवाल आपको रेलेवेंट महसूस नहीं हुआ सर? नॉट इंटरेस्टेड सर। क्या ना होने की वजह से क्या किसके इक्वलेंट है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना होने की वजह से प्रोडक्शन ही सेल है यार, क्यों डर रहे हैं अभी यार? बताएं क्वांटिटी, 1 kg कितने का बिकेगा? डाटा ढूंढे प्लीज। बट आप पोलन्स का प्रॉफिट निकालेंगे विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, प्रॉफिट कहां निकाला पहले? फैसल क्या कर रहे हैं यार, कंसंट्रेट किया कर रहे हैं। प्रॉफिट की वर्किंग कहां की है फैसल जी? 42,900 मल्टीप्लाइड बाय 90, वो तो एक एलोकेशन करने के लिए हमें सेल वैल्यूज बनानी पड़ी थी यार। फिगर इज 3861, थाउजेंड्स में कर लें यार, वैसे तो शायद सारा सवाल ही थाउजेंड्स में बनता था। जी सर आगे, कॉस्ट सेल्स जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होना है। अगर पोलन्स को एज इट इज बेचना है विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, तो व्हाट शुड बी द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? ढूंढे ढूंढे वर्किंग हुई नहीं, मैक्सिमम हुई नहीं, क्या फिर सिर्फ डिपार्टमेंट वन में ही प्रोसेसिंग करेंगे? डिपार्टमेंट बी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? डिपार्टमेंट बी की जरूरत कब पड़ेगी? तो अगर हम पोलन्स एज इट इज बेच रहे हैं तो 3240 ढूंढने की एलोकेशन हुई भी थी, क्या 9 million पूरा पोलन का खर्चा है या 3240 पोलन का खर्चा है सर? तो 3240 ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। सर ग्रॉस प्रॉफिट सर, कितना? 621 जी। कोई और इंफॉर्मेशन ऐसी जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने में यूज होनी चाहिए? क्या कोई और इंफॉर्मेशन भी है रिगार्डिंग एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस? तो अगर पोलन्स बेचेंगे तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने इनकर होंगे? 1,385। तो कस्टमर बेटा इंफॉर्मेशन दी हुई थी सेलिंग एक्सपेंसेस की, 1,35 पोलन्स। अगर पोलन्स आप एज इट इज बेचेंगे तो ऑब्वियसली फिर सीड्स बनाने के खर्चे खत्म हो जाएंगे, तो नेट प्रॉफिट आ गया 486 बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये फाइनल डिसीजन लेने के लिए हमें फर्दर एक वर्किंग क्या करनी है? इफ पोलन्स आर फर्दर प्रोसेस्ड, And convert into seeds. Okay.
बेटा क्या हो गया यार, इनकम स्टेटमेंट में सेल लिखी हुई है, तो क्या इस सेल में से एक्सपेंसेस लेस हो गए हुआ? इसमें से माइनस हुआ, वो तो एलोकेशन करने के लिए एक माइनस किया था, क्या हो गया? और इतनी कंफ्यूज जी जी डियर, अगर सीड्स बेचें तो कितने यूनिट्स बिकेंगे? सोचे सोचे सोचे, क्या कोई फर्दर वर्किंग करनी पड़ेगी अब? और सर जी को फर्दर वर्किंग करनी पड़नी है सर। अब ये जो 4 to 9 00 था, इसने फिर कहाँ जाना है? अगर सीड्स को बनाना है तो इसने फिर डिपार्टमेंट बी में जाना है, डिपार्टमेंट बी का जरा डाटा पढ़े उसमें, फिर मटेरियल वाई ने भी कोई ऐड होना है, उसकी कोई इनपुट आउटपुट रेशियो पढ़े उसमें, फर्दर कोई लगता है लॉस भी होना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ख्याल है ये डायग्राम में या इस डायग्राम की बजाय फिर अब जहां हम कहीं कंप्लीट करें, इसके लिए स्पेस छोड़ दें जरा प्रॉफिट के लिए, तकरीबन 5-7 लाइन है। तो हम जरा पोलन्स को अगर सीड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सीड्स कितने बनेंगे, ये डिपार्टमेंट बी का जरा डाटा देख के वर्किंग करनी पड़नी। सर जी काम कंसंट्रेशन का है, हिम्मत किया करें, अपनी ओरिजिनल डायग्राम देख लें प्लीज। ओरिजिनल डायग्राम हमारी क्या थी, ज्वाइंट प्रोसेस से क्या क्या बन रहा था? पोलन एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा तो एज इट इज सेपरेट पॉइंट पे सेल होगी। अब हमने पोलन्स को अगर सीड बनाना है तो डिपार्टमेंट बी में 42,900 केजीज लेके जाना है, लेकिन उसमें फिर शायद कोई 12,000 फर्दर मटेरियल वाई की भी कोई इनपुट लग रही है, तो इसको जरा डिटेल में जरा कंसिडर करें। और अगर बनवा दें पहले जी, पोलन की इनिशियली इनपुट कितनी होगी जी? 42,900 डिपार्टमेंट बी में, ठीक है क्लियर? देन उसके बाद क्या डिपार्टमेंट बी में को मटेरियल वाई की इनपुट भी फर्दर है? कितना मटेरियल वाई ऐड होना है? क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें, 12,000 केजी कॉस्ट बाद में निकालते हैं। तो पोलन ने 42,900 इनपुट होना है और फर्दर फिर इसकी इनपुट में शायद 12,000 केजीज भी मिक्स होना, समझ आ रही? तो इट मीन्स टोटल इनपुट फिर 42,900 ही रह जाएगी या प्लस 12,000 भी होगा? कैलकुलेट करें पहले, सिर्फ कैलकुलेटर पर लिखें। इनिशियली क्या इनपुट हुई है पोलन की और उसमें फिर फर्दर क्या मिक्स करना लग रहा है? मटेरियल वाई टोटल कितना हो गया? अब इनपुट आउटपुट रेशियो देखें, क्या ये जो आपने कैलकुलेट किया है इनपुट है? इनपुट है सर, तो इसमें आउटपुट कितनी बनेगी बताएं, कितनी क्वांटिटी बनती है? और फिर 4% का क्या करेंगे? 4% किधर गया? नॉर्मल लॉस क्यों अज्यूम करेंगे? किस चीज का नहीं बताया गया? लॉस की नेचर अगर नहीं बताएगी तो फिर लॉस कौन सा होगा? तो बेटा इस तरह से कुछ है यार, पोलन 42,900 केजीस और फिर इसमें फर्दर एड हुआ 12,000 केजीस, इसमें से निकलेगा क्या? सीड्स कितने परसेंट? 96%। और बाकी को क्या ज्यूम करेंगे अगर इंफॉर्मेशन नहीं है? 4%। खड़ी जरा काइंडली पूरी करवाएं, 42,900 प्लस 12,000 इंटू 96% क्या बता रहे थे? 52,704। और बैलेंसिंग फिगर जरा निकलवा दें, 2196। 2196 को भी कॉस्ट एलोकेट होनी है, लेकिन मैं जरा क्वांटिटी पूरी करना चाह रहा हूँ, यहाँ तक बना लें डायग्राम। कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें। क्या ऐसे तो नहीं होगा कि हम पोलन्स भी बना के बेच देंगे और फिर सीड्स भी बना के बेच देंगे, या सिर्फ पोलन बेचेंगे विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग
और या पोलन्स को बेचने की बजाय फर्दर प्रोसेस कर लेंगे और फिर सीड्स बना के बेचेंगे। तो इस डेटा की बेस पे सीड्स की कितनी क्वांटिटी बेटा बन जाएगी? 52,704। एनी कंफ्यूजन है? आ रहे इनकम स्टेटमेंट में, शायद स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। स्टॉक्स नहीं है तो क्या 52,704 ही क्वांटिटी सोल्ड है? और 1 kg ऑफ सीड कितने का बिकना है? ढूंढे सर, डेटा ढूंढे, ऊपर टेबल में दिया हुआ। प्लीज 125। प्लीज सब प्लेयर हैं यार, ना पूछते हैं ना बताते हैं। सर इसे क्या ज्यूम करूं? सर नींद आ रही है सर। ये ठीक है जी? 5,658 कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, साथ साथ चला करें। फिलहाल स्टॉक्स अभी क्वेश्चंस में नहीं आ रहे, भी आ जाने सारे। प्लस आप बताएं जी, सीड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है? सर देख के बताएं सर, हेल्प करें। सीड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मुझे प्रिंसिपल ही बता देना कि क्या क्या होना चाहिए सीड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। नहीं बेटा, मटेरियल तो ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अब क्या अगर सीड्स बना के बेचने हैं तो पोलन बनाने का खर्चा भी होगा क्या? शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए आएगी सर? क्या पहले पोलन बनाने का खर्चा आएगा और फिर सीड्स बनाने का खर्चा उसमें जमा हो जाएगा? तो डिपार्टमेंट ए का शेयर आएगा और डिपार्टमेंट बी की साइड 100% कॉस्ट रिलेट्स टू सीड्स। डिपार्टमेंट बी की सारी कॉस्ट सीड से रिलेटेड नहीं है सर। डिपार्टमेंट बी है ही किस लिए? पढ़े फर्स्ट पैराग्राफ प्लीज, पढ़े पढ़े, सही रिवाइज करें जरा। तो क्या हमें ये पता है कि सीड्स को पोलन में कन्वर्ट करने का इनिशियल खर्चा कितना था? सर जी, सीड्स को पोलन में कन्वर्ट करने का कितना खर्चा आया था सर? 3 to 4 0। नहीं तो क्या 3 to 4 0 में, ठीक है 3 to 4 0, फर्दर क्या ऐड होगा? इस डिपार्टमेंट का खर्चा और कैलकुलेट करूं, आइए जरा। तो 3 to 4 0 प्लस इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर्ड विद इन डिपार्टमेंट टू आनी है, डिपार्टमेंट बी आनी है। तो इसकी भी जहां डायग्राम बनाई वहां एक वर्किंग कर लें जरा, इसमें भी 3 4 चीजें जरा प्लस कर लें। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी, ये शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या अगर सीड्स बना के बेचने हैं तो पहले पोलन बनेंगे सर? सर जी, सर मजा नहीं है सर, आप कंस्पॉन्ड ही बड़ा कर रहे हैं सर। आप भी बेटा एक दफा बोल दिया करें यार बार बार जी। 12,000 × अब कौन से डिपार्टमेंट खर्चे पूरे कर रहा हूं यार? कौन सा सर? 12,000 × 25 आंसर 1,000 में बताइएगा, 300। और क्या लगना है? लेबर नहीं बेटा, लेबर कितने आवर्स? 3,600 आवर्स एट द रेट ऑफ 150 इज इक्वल टू 540। और वेरिएबल ओवरहेड्स 65 पर लेबर आवर दिया हुआ है, क्या करूं? 36 × 65, 234। ओवरहेड फिक्स 50 पर आवर, पर लेबर आवर वन सेकेंड 180। टोटल कॉस्ट, इट इज फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी टू कन्वर्ट पोलन इनटू सीड्स 1 to 5 4। ठीक है सर।
ये अब 3 to 4 0 प्लस 1 to 5 4 करके डबल 4 9 4 को टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सीड्स कहा जा सकता है। सीड्स बनाने के लिए पहले पोलन्स ने डिपार्टमेंट ए में बनना था और फिर डिपार्टमेंट ए से जो शेयर आया उसमें डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट ऐड हो गई। क्लियर है प्लीज? चलो आगे। नो स्टॉक्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स डबल 4 9 4 2 0 9 4 फाइनल करें। एक लास्ट एक चीज रहती, सेलिंग एक्सपेंसेस में मैं एक मिस्टेक एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, लेकिन इंशाल्लाह आप करेंगे नहीं। बताएं सेलिंग एक्सपेंसेस किस किस के लिखूं? वो सर जी पोलन के भी तो लिखूंगा ना यार, सर जी पोलन के भी तो लिखूंगा यार, ये ऊपर तो लिखवाया है आप लोगों ने, पोलन का खर्चा भी लिखवाया है और नहीं ऊपर क्यों लिखवाया? सीड्स को अगर बनाना है तो पहले पोलन बनेंगे फिर सीड्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन अब हम अगर सीड्स बेचेंगे तो क्या पोलन के बेचने वाले सेलिंग एक्सपेंसेस भी होंगे? अब कौन से खर्चे बच के सिर्फ कौन से होंगे? तो ठीक है जी, सेलिंग एक्सपेंसेस सिर्फ किसके होने चाहिए? सीड्स के, क्योंकि अब हम बेच ही रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर पोलन बेचने की बजाय सीड्स बेचने हैं तो फिर कितने खर्चे होने हैं? जी क्लियर है प्लीज? 180 बेटा, 180, 180,000 सेलिंग एक्सपेंसेस। आंसर बताइएगा। 1914। क्या अब इस 1914 की बेस पे और ऊपर नेट प्रॉफिट 486 देख के आपको फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? बताएं क्या बना के बेचें? लिखें कंक्लूजन इंग्लिश में जरा। पोलन एज इट इज बेचने से 486,000 या 486 का प्रॉफिट है और सीड्स को कन्वर्ट करके बेचने से 1914 का प्रॉफिट है, क्या करना चाहिए? वी शुड सेल सीड्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एज इट विल रिजल्ट इन टू एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैलकुलेट करना। एज इट विल रिजल्ट इन टू एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ 1914 माइनस 486। जी मिस्टर रिजा, डिफरेंशियल प्रॉफिट बता देना। जी नहीं बेटा, तसल्ली से सोचें, आपका बिजनेस है। क्या ओवरऑल प्रॉफिट की बेस पर डिसीजन होना चाहिए पर केजी? आप तसल्ली से सोच के आंसर बताएं। आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप कैसे डिसीजन लेना चाह रहे हैं? लेकिन ले ना पर केजी, बताएं कैसे फिगर्स लेंगे? नहीं डेटा लिखवाएं, आपने सोचा होगा? नहीं, आपके सामने डेटा है, जरा कोई बताइएगा कैसे? नहीं सीरियसली, मतलब सीरियस डिस्कशन कर रहा हूँ, मजाक नहीं है। अब देखें ठीक है, पूछा 194 डिवाइड बाय, काइंडली सब लोग और सुनिएगा जरा, बताइएगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने, लेकिन मेरी इसे जरा थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लें। ये कंसंट्रेशन सुनिएगा जी सब लोग जरा, ये 1914000 है ना, डिवाइडेड बाय 52704 एक प्रॉफिट आएगा।
और सारी फिगर बता दें यार, क्या हो गया यार, कैलकुलेटर ही दे दें यार जी। बताइए सर कितना आ रहा है? 36 राउंड आ गए, 36 प्रॉफिट इज 36 पर केजी तकरीबन, ठीक है ना। ऊपर जरा ये पोलन 486,000 डिवाइडेड बाय 42,900 11 पर केजी। डेफिनेटली इस वक्त तो वही डिसीजन बनता है जो मेरा ख्याल है हमने अभी लिए कि सीड्स बेचने चाहिए, लेकिन क्या इस तरह करना चाहिए? मेरा ख्याल क्वेश्चन शायद आपका ये, फर्ज करें ऊपर आंसर आ जाता, मतलब फॉर एग्जांपल इसके केजीज कम होते हैं ना, कोई 1000 को केजीज होते हैं फर्ज करें, तो 486 को डिवाइड करें ये तकरीबन 486 रुपये आ जाना था। एक सेकंड कीजिएगा जरा, 486,000 डिवाइड बाय 1000 48 समथिंग आ गया, 486 चला गया। फर्ज करें इससे आ जाए तो एक केजी का अगर प्रॉफिट आ रहा है 486, लेकिन टोटल प्रॉफिट आ रहा है 4,86,000, और नीचे एक केजी का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 36 है लेकिन टोटल प्रॉफिट आ रहा है 19,14,000, तो आप मुझे बताएं क्या हमें पर केजी की बेस पर बड़ा डिसीजन लेना चाहिए? लेकिन पोलन बनाने से हमें 486 लाख रुपीज बच रहे हैं, यकीनन एक केजी का प्रॉफिट तो 486 है, लेकिन अगर हम सीड्स को में कन्वर्ट करें तो 19 लाख रुपीज का प्रॉफिट है और यकीनन पर केजी कम है, तो बताएं क्या उस केस में फिर पोलन्स बनाएं क्योंकि पर केजी प्रॉफिट ज्यादा, या इवन देन सीड्स बनाएं क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा? तो पर केजी से ये डिसीजन नहीं है, हो सकता है पर केजी प्रॉफिट्स डिफरेंट हो लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। अगर फर्ज करें ज्यादा केजी बना के ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप ज्यादा केजी बना लेंगे, लेकिन अगर कम केजी बना के ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो शायद हमारा फाइनल डिसीजन ओवरऑल प्रॉफिट की बेस पे होना चाहिए, ठीक है। केजी चाहे कम बन रहे हो चाहे ज्यादा बन रहे हो, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये डिसीजन पर केजी की बजाय शायद ओवरऑल प्रॉफिट्स की बेस पे होना चाहिए। क्लियर जी, कोई और कंफ्यूजन तो नहीं? बाकी लोगों का क्लियर? ये एक क्वेश्चन और करने, जो टाइम अलग शुक्र है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। और सर जी कौन सा सवाल हो गया सर? अच्छा पहले जरा आएगा 6 से, पहले जरा 7 पे आएगा, एक जरा कॉम्प्रिहेंसिव सा और सवाल करके जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक मिनट जरा 7 की तरफ, जे लिमिटेड मैन्युफैक्चर सर, जे लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ऑरेंजेस एंड ऑरेंज एंड मैंगो बाय प्रोसेसिंग अ रॉ मटेरियल इन डिपार्टमेंट वन। बस चीजें बेटा शायद एक ही तरह की बार बार अब डिफरेंट तरीकों से मिक्स होने लगी हैं। ऑरेंज इज देन फर्दर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट टू विद नो लॉस, मैंगो इज फर्दर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 3, बाय प्रोडक्ट लीफ इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन डिपार्टमेंट 3 विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। इट इज एस्टिमेटेड दैट आफ्टर प्रोसेसिंग इन डिपार्टमेंट 1, 55% ऑफ द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इन टू प्रोसेस्ड ऑरेंजेस एंड 40% इन टू प्रोसेस्ड मैंगो। नो प्रोडक्ट इज इन सेलेबल कंडीशन एट दिस स्टेज। द सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑरेंज इज 45 पर केजी एंड मैंगो इज 64 पर केजी। लीव्स कैन बी सोल्ड, लीव क्या था बीच में, बी लीव्स कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज 12 पर केजी। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन डिपार्टमेंट 3 10% of all input becomes leaf and 88% becomes mango. और से देखते जाएगा कुछ percentages में मसला है, कोई loss लग रहा बीच में। During the month of January,
198,000 kgs of orange were produced. It is the company's policy to subtract revenue of the byproduct from the total cost of the departments in which they are produced. ऐसे ही सही लिखा हो. By product का क्या करना? उसका revenue को जिस department से वो बन रही उसकी cost में से less करना. Joint costs are allocated on the basis of hypothetical market value. It's a split of point. और ये ऊपर जो second paragraph था उसकी second line. कोई भी product saleable condition में नहीं थी. Department one में processing के बाद further processings हो रही है department two और three वगैरह में. फिर नीचे आपको कॉस्ट दी भी है डिपार्टमेंट वन टू थ्री की लेबर ओवरहेड्स और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट स्टार्टेड उसका पर केजी रेट दिया है. रिक्वायरमेंट वन है कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अज्यूमिंग ऑल आउटपुट इज सोल्ड. इट मीन्स को स्टॉक नहीं बचा. क्या निकालना है प्रोडक्ट वाइज कौन कौन सी प्रोडक्ट वैसे लग रही है. ऑरेंज एंड मैंगो लीव तो बाय प्रोडक्ट थी और फिर उसका टोटल प्रॉफिट एक कॉलम वाइज बन जाएगा जिस तरह वो अल्फा सॉरी ए बी सी वगैरह का था. फिर इसके एक बी रिक्वायरमेंट है इसको बाद में देखते हैं. फर्स्ट पेज छोड़ें इस रिक्वायरमेंट के लिए एक डायग्राम फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है. इस डेटा की जरा अरेंजमेंट करवा दें. अगर जी सर आप जरा इंडिविजुअली खुद से थोड़ा सा पढ़ने का ज्वाइंट प्रोसेस कौन सा डिपार्टमेंट वन. अच्छा करवा दीजिएगा थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ जरा इसी इसी डायग्राम में एक्सप्लेन कर लें ताकि क्वेश्चन करते हुए चीजें हमारे सामने हो. डिपार्टमेंट वन से ऑरेंजेस और मैंगोज की परसेंटेज एक दी हुई है. ढूंढे ढूंढे सर ढूंढे 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 लीफ भी यही से निकलता है ढूंढे पढ़ने पढ़ने कंसंट्रेशन से पढ़े. जी जी डिपार्टमेंट वन से क्या निकलता है ऑरेंज मैंगोज कितने कितने परसेंट 55% एंड 40%. तो बैलेंसिंग एक फिगर आ रही है यहाँ. टोटल कितना बनता है 95%. तो 5% को लॉस लग रहा है. कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी नॉर्मल लॉस हो गया. आप बाद में आराम से लिखिएगा जिस तरह फिर आपका दिल करे एक्सप्लेन करने को. आगे बढ़े ऑरेंजेस में भी कहां जाना है डिपार्टमेंट टू में. देखें जरा ढूंढे जरा डिपार्टमेंट टू में फिर क्या होना. कहां लिखा है डिपार्टमेंट टू में कोई लॉस नहीं है. सेकंड लाइन पढ़े तो क्या फिर जितनी क्वांटिटी डिपार्टमेंट टू में जाएगी इसमें लीफ भी तो बनना वो थ्री में बनना. तो जितनी क्वांटिटी जाएगी उतनी ही क्वांटिटी में आउटपुट भी हो जाएगी ऑरेंजेस की. ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंजेस और एम स्टैंड्स फॉर मैंगोज कर रहा हूं ठीक है. मैंगोज में कहां जाना है डिपार्टमेंट थ्री की स्टोरी लिखे जरा. जितनी इसमें क्वांटिटी जाएगी उसकी परसेंटेज होगी. इसकी परसेंटेज है शायद इसमें फाइनली मैंगोज प्रोसेस होकर कितने निकलना है 88%. 10% क्या निकलना है लीफ ने निकलना है विच इज बाय प्रोडक्ट और यहां फिर लॉस लग 2% और इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल लॉस है ठीक है. यहां तक सर जी ठीक है सर. अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्वांटिटीज डायरेक्टली नहीं थोड़ी सी हमें इनडायरेक्टली वर्किंग करनी पड़नी है. एक ही क्वांटिटी कहीं आपको नजर आएगी 1,98,000 केजीज ऑफ ऑरेंजेस वर प्रोड्यूस्ड. ढूंढे ढूंढे सर ढूंढे ढूंढे. तो आपसे रिक्वेस्ट ये है गौर से पढ़ें पूरी स्टोरी जरा देख के मुझे बताएं
ये ऑरेंजेस 1,98,000 केजीज कहाँ बने? कहाँ लिखूं ये, किस जगह लिखूं, किस जगह लिखूं, किस जगह लिखूं, यहां लिखूं जरा, एक बोर्ड देखें जरा, यहां कहीं ये क्वांटिटी लिखूं या यहां लिखूं, क्या यही इनपुट है और यही आउटपुट भी है, तो लॉस नहीं है इसमें, तो कितने केजीज प्रोसेस हुए फिर? 1,98,000 केजीज, और डिपार्टमेंट टू प्लीज पॉइंट नंबर सेकंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नो लॉस, तो यही क्वांटिटी फिर आउटपुट भी बनी है। ठीक है सर, अब इस क्वांटिटी की परसेंटेज 55% है, तो अब बाकी क्वांटिटीज दी नहीं हुई है, अगर हम चाहें तो इस 55% ऑफ क्वांटिटी को यूज करके बाकी सारी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, तो प्लीज एक मिनट मुझे निकलवा दें जरा, कैलकुलेटर उठाएं। 198,000 डिवाइडेड बाय 55 × 100 की जगह जरा, क्या 3,60,000 केजीज इनपुट हुए होंगे इस डिपार्टमेंट वन में? इसका 40% करें जरा, 144,000 केजीज मैंगोस के बने होंगे, कर रहे हैं सब, 360 आ गया सबका, कैसे आया 360? बोलने बोलने 198 डिवाइड बाय 55 × 100, ये 55% डिवाइड बाय 0.55 जिसमें भी आप चाहें, फिर 360 का 40%, फिर इस इनपुट का 88%, किस इनपुट का 144,000 × 88% करवा दीजिएगा जरा, ये 16,720 केजीस बाय प्रोडक्ट के केजी बताएं कितने होंगे, बाय प्रोडक्ट की परसेंटेज क्या है, 10% ऑफ व्हाट, 1,44,000 इनपुट थी, तो 144,000 और बैलेंसिंग फिगर भी अब कैलकुलेट अगर हो रही है तो लॉस की कर लें, 2,880 लीव्स, सॉरी नॉर्मल लॉस, एक क्वांटिटी जरा इधर आएगी, जरा शुरू में करवा दें, नॉर्मल लॉस 360,000 × 5% 18,000, क्लियर है सर, सॉरी सारी डायग्राम क्लियर है, बनाए तो जरा खुला खुला रखिएगा, इसमें मैं जरा अमाउंट्स बीच में मिक्स कर दूंगा, वैसे आइडियली मेरा ख्याल है कि ये अगर आपने बनवाया है तो क्वेश्चन देख के खुद बनाए, ट्राई करें जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ के खुद बनाए, फिर चेक कर लीजिएगा।
क्लेनरी क्वांटिटीज। ये फैसला आप बना लिया आप लोगों ने, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बैठे हैं, बना लिया डायग्राम? चलें बेटा, इसमें फिर क्वांटिटी के साथ साथ आप जरा अमाउंट्स का भी थोड़ा सा डिसीजन लेने, ठीक है बेटा? नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना। डिपार्टमेंट वन के खर्चे जरा ढूंढने। एक बड़ा लेबर ओवरहेड, आई होप के सबको नजर आ रहा है लेबर ओवरहेड। इसके रिक्वायरमेंट्स ऊपर भी लास्ट लाइन भी देखिए इधर, क्या कुछ रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी है सर? तो डिपार्टमेंट वन में मिल गया ये 32। तो कितने केजीज इनपुट हो रहे हैं सर? तो कैसे वर्किंग करूं? 30 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल टू, मेरा थाउजेंड में कर लें या रुपीज इन थाउजेंड? सर ये रुपीज इन थाउजेंड में कर लें, बताइएगा आंसर। डबल 1520 हो गया मटेरियल, लेबर 1060, ठीक है, डिपार्टमेंट वन की, और ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट वन 795। क्लियर है? टोटल बता दीजिएगा। 11520 प्लस 1060 एंड 795 फिगर्स गिवन है, 1337 1375। डिपार्टमेंट वन का खर्चा किस किस में एलोकेट होना है? क्या ये जॉइंट कॉस्ट है? डिपार्टमेंट टू में कितनी कॉस्ट आनी है? डिपार्टमेंट टू में कोई फर्दर मटेरियल ऐड तो नहीं हो रहा? सिर्फ उसमें फर्दर क्या लग रहा है? लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है? 720। ओवरहेड कॉस्ट कितनी लग रही है? 540। तो टोटल कॉस्ट हो गई 1260। डिपार्टमेंट टू में जो 1260 कॉस्ट आ रही है, किसको फर्दर प्रोसेस करने में आ रही है? क्या ये ऑरेंजेस की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है सर? डिपार्टमेंट थ्री में भी लेबर ओवरहेड्स मींस कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है 880 और ओवरहेड 660, 1540। तो डिपार्टमेंट थ्री में जो 1540 की कॉस्ट आ रही है, ये किसको बनाने की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है? मैंगोस की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। क्या वो डाटा नहीं मिल रहा? आप लोग स्क्रीन से ढूंढ रहे हैं, कहां से उठाई सारी फिगर्स में? गिवन है या अज्यूम्ड? लेकिन डिपार्टमेंट थ्री में बड़ा जरा देखें, डिपार्टमेंट थ्री को शायद अभी एक काम छोटा सा होना चाहिए इसमें। डिपार्टमेंट थ्री में जब प्रोसेसिंग हुई है, तो क्या कोई बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है और उसकी कोई रिकवरी वैल्यू भी है? अच्छा, नॉर्मल लॉसेस डिपार्टमेंट वन में भी है और डिपार्टमेंट थ्री में भी है, लेकिन उनकी कोई रिकवरी वैल्यू ना होने की वजह से वो हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। कॉस्ट उसको एलोकेट होनी नहीं है और रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसकी रिकवरी वैल्यू अवेलेबल है सर? बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू ढूंढे प्लीज। कितने केजीज बने? कितने केजीज बने सर? मल्टीप्लाइड बाय 12 करें जरा एक मिनट। वन डबल फोर डबल जीरो मल्टीप्लाइड बाय 12 बटा कीजिएगा 172.8 कर लेना थाउजेंड्स में। बताएं इसका क्या करूं?
172.8 thousand में फिगर आ गई, इसको कहाँ से लेस करूँ, डिपार्टमेंट वन से या डिपार्टमेंट थ्री से? तो डिपार्टमेंट थ्री की टोटल कॉस्ट है 1540 माइनस 172.8, इट मींस नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर्ड इन डिपार्टमेंट थ्री इज 1367.2। सर जी क्लियर है सर? बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बता दें यार क्या होता है, उसको कॉस्ट एलोकेट करते नहीं है लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू को तीन तरह से कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन में कौन सा तरीका बताया हुआ था? जिस डिपार्टमेंट में बन रही है बाय प्रोडक्ट, उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट से नेट ऑफ कर दें, एक डबल एंट्री हो जाए यार, अगर हम नेट ऑफ कर रहे हैं तो एक डबल एंट्री कर रहे हैं शायद, रिसीवेबल डेबिट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्रेडिट। सर बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू सर नहीं मिल रही, 12 सर ये सेकंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ, ठीक है ये 12 प्लीज, कोई और कंफ्यूजन? सॉरी ये बेटा क्वांटिटी है 14400 इंटू 12 कीजिएगा तो वो मैं थाउजेंड्स में ले रहा हूँ, प्लीज सर रुपीज इन थाउजेंड्स में कर लेते हैं, जरा फिगर जरा बड़ी है। सर जी क्या हो गया सर? जी सर क्वेश्चन हो गया, अभी शुरू होना चले सर, आपकी चॉइस है सर, मैं अकेला कर लेता हूँ सर। रिक्वायरमेंट ए में सर क्या लिखा हुआ है सर, नजर ही नहीं आ रहा सर, चले मैं ही बनाता हूँ सर। प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है सर, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं सर, कॉलम वाइज बनानी है, फिर टोटल का कॉलम भी रिक्वायर्ड है, स्पेस क्रिएट करें सर, फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ये प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट, बिजनेस का नेम अवेलेबल है कुछ जे लिमिटेड शायद, कोई ईयर एंड है फॉर द मंथ फॉर जनवरी, ऑरेंजेस मैंगोस टोटल, रिक्वायरमेंट ए में अज्यूमिंग ऑल आउटपुट इज सोल्ड, बेटा प्लीज करवाएं अभी मुश्किल नहीं, बस जो ठीक ठीक है चीजें जो हैं वो हैं, कोशिश तो करना है। जी माय डियर क्वांटिटी बताएं ऑरेंजेस की, क्या जो बना वो बिका, कितने केजीज बिके फिर? 198,000 और मल्टीप्लाइड बाय 198,000 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर केजी ढूंढे इनटू 45,8910। एक दफा काइंडली स्टार्टिंग स्टार्ट में कहीं रुपीज इन थाउजेंड्स लिखा, वर्किंग में लिखा था लेकिन इनकम स्टेटमेंट पे शायद होना चाहिए। जी मैंगोज की वर्किंग कैसे करूं? अच्छा मैंगोज का सही डिसीजन लेना जरा, मैंगोज कितने फाइनली बिकेंगे? 144 नहीं बिक देंगे यार, बिक देंगे यार,
फर्दर प्रोसेस हुए उसमें फिर बाय प्रोडक्ट और लॉस निकल आया, तो फाइनली व्हाट आर द केजीज ऑफ मैंगोस 1 to 6 7 to 0 मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लीज सेलिंग प्राइसेस ढूंढने का लिए कहां है सेलिंग प्राइसेस ये थर्ड पैराग्राफ में एक लाइन जो लिखी हुई है सेलिंग प्राइसेस 45 64 और बाय प्रोडक्ट की 12 ओके सर डन है जी आंसर आ गया जी 811 1000 राउंड ऑफ कर ले मेरा 1000 पे हिम्मत करेंगे 0.080 है तो थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर ले अगर बेटा देखे मेरी बात सुनो अगर हमने यूं करना है तो फायदा क्या हुआ थाउजेंड्स में लिखने का यूं कर देते हैं नहीं मेरी बात सुने सर प्लीज ये को मसले हल करें यार देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप पूरा लिखना है 811.080 तो थाउजेंड्स में क्यों लिख रहे हैं फिर हम इसीलिए लिख रहे हैं ना कि मतलब वैसे जीरोस लगाने पड़ रहे हैं तो अगर ये पूरा ही लिखना था तो हल्का सा यूं कर लेते हैं नहीं मेरी बात प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो अगर आप बेटा रुपीज में कर रहे हैं वर्किंग तो आप रुपीज में राउंड ऑफ करें थाउजेंड्स में कर रहे हैं तो थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करें मिलियंस में करें तो मिलियंस में राउंड ऑफ करें तो वो तो यूं ही होना था फिर क्या ये थाउजेंड्स में 80 रुपए इमटीरियल है हाँ ये जरूर है फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह से आंसर आ रहा होता तो फिर आप मुझे कैसे लिखवाते 811 राउंड ऑफ करना चाहिए ना यार जिस तरह पॉइंट्स में राउंड ऑफ करते हैं उसी तरह थाउजेंड में राउंड ऑफ करें आई रियली अप्रिशिएट कि एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए लेकिन वो रियल लाइफ में इंशाल्लाह आपने करना है बड़े होके एग्जाम में राउंडिंग ऑफ अलाउड है इमटीरियल बहस है बेटा मटीरियल चीजें सही होनी चाहिए इमटीरियल बहस है सही लेकिन बड़े होके इमटीरियल चीजें कंसिडर नहीं कर देनी एक एक दो दो अरब भी इमटीरियल हो जाए सारी दुनिया का नहीं हमें क्या वो ठीक है रियल लाइफ अपनी जगह है अल्लाह ताला को हिसाब देना एक एक पैसे का पाई का हिसाब रखेंगे लेकिन एग्जाम में इनसिग्निफिकेंट चीज ठीक है ज्यादा था नेक्स्ट असल में आप लोगों के जहन में बिल्कुल कोई दो नंबरी है नहीं लेकिन ये दुनिया ऐसी है जहां जहां मिले किसी को वो नहीं दो नंबरी सिखा देता मासूम लोग हैं आप तो ये मासूमियत बेटा हमेशा बरकरार रखनी है मेरे जैसे लोग आपको बड़े मिलेंगे दुनिया में लेकिन उनकी कोई गलत बात नहीं माननी लेकिन प्लीज एग्जाम पॉइंट व्यू से मान लीजिएगा वहां इन चक्रों में पड़ गए हम तो एक ही फिगर पूरी होनी जी सर कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक नहीं है जरूर लिख के डैश लगाएं ये इसका हरगिज मतलब नहीं कि होता भी नहीं है अब आएंगे मेन चैलेंज पे और प्लीज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट टाइम है सही समझ के वर्किंग करके उठना क्या इसमें ऐड होना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूरी डायग्राम देखें बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोस तक कैसे पहुंचूं बोले बोले अपने लिए बोले फाइनल करने चीजें अपने आप को सुनाए स्टोरी क्या ऑरेंजेस को बनाने में डिपार्टमेंट वन से शेयर आना है और क्या डिपार्टमेंट टू का सारा खर्चा ऑरेंजेस को बनाने के लिए हो रहा है तो क्या इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी ये बेटा जरा डिपार्टमेंट टू का टोटल बताइएगा मैंने जरा सबमिट किया 1260 तो क्या इस स्टेज पे हमें कोई एलोकेशन करनी पड़ रही है अब इस स्टेज पे हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी किसकी डिपार्टमेंट वन की ताकि ऑरेंजेस और मैंगोस की शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट की फिगर आ सके और फिर डेफिनेटली उसको फिर हम एड अप कर लेंगे डिपार्टमेंट टू और थ्री रिस्पेक्टिवली के खर्चे में तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी तो यहाँ अब हमें जरूरत पड़ी है कि हम डिपार्टमेंट वन का खर्चा ऑरेंजेस और मैंगोज में एलोकेट करें क्वेश्चन देखें किस मेथड से करना है किस मेथड से करना है सेल वैल्यू मेथड हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू मेथड दोनों प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस हो रही हैं वर्किंग नंबर टू करें जी सर अब ये बहस भी आज कोशिश करें समेटने की प्रोडक्ट्स के नाम
ऑरेंजेस एंड मैंगोस। सोच के यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लुक एट योर डायग्राम, 198,000 ऑरेंजेस और 198,000 मैं ऑरेंजेस के कितने फाइनल बताएं? 198, इसमें तो कोई बहस नहीं है। बताएं मैंगोस के कितने लिखूं? इसमें है इशू जो फर्स्ट टाइम आया, पहले नहीं आया जी। दो जगह ने क्वांटिटी नजर आ रही है, एक 144 नजर आ रही है इनिशियली, नजर आ रही किसी को? और फिर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 126 नजर आ रही है, ऐसे ही है ना यार। अच्छा एक सेकंड, इसका करें क्वांटिटी मुझे आप एक मिनट बाद में बताइएगा। मेथड हमारा क्या है? तो क्या सेल प्राइस पर यूनिट लिखवाएंगे मुझे? तभी मैं सेलिंग वैल्यू से बनाऊंगा ना। आप एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये सुन लें बस, बाकी तो शायद अब सब कुछ रिपीट होना। मेरे सेल प्राइस पर यूनिट बताएं 45, 64। अब ये 64 जहन में रख के, 198 में तो कोई इशू नहीं है, अब ये 64 जहन में रख के शायद आप क्वांटिटी का डिसीजन ले सकते हैं। क्या 64 पे आप 1,26,720 केजी को बेच सकेंगे या 144,000 केजी को बेच देंगे? क्या 144,000 केजी में कुछ लॉस के केजीज भी हैं और क्या कुछ उसमें बाय प्रोडक्ट भी है? तो क्या 144,000 इनटू 164 होना चाहिए या प्रोसेस्ड मैंगोज विल बी सोल्ड एट 64? तो यकीनन ये हमारे पास पहले अल्टीमेट सेल वैल्यू आएगी, लेकिन क्या फिर उसको हमें रिवर्स करके यहां तक आना है? तो मैं 126,720 की बेस पे वापस आऊं या 144,000 इनटू 64 करूं? फाइनल कर लें, फाइनल कर लें। कितने लोगों का ओपिनियन 144,000 की बेस पे? 144 में इशू क्या है ये भी जरा गौर से देखें डायग्राम। क्या 144 के अंदर कुछ लॉस के यूनिट्स हैं? वो तो नहीं बिकने 64 पे। इसके अंदर बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स भी हैं, उसने तो 12 पे बिकना है। तो कितने केजीज हैं जो 64 पे सॉरी बिकने हैं? लेकिन डेफिनेटली ये हमारे पास फिर अल्टीमेट सेल प्राइस आएगी, इसमें से फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करके हम वापस आएंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? बता नहीं थोड़ा बोल दें फिर मैं क्या लिखूं यहाँ, क्या लिखूं सर? एनी कंफ्यूजन? अब करें मेरे ख्याल बाकी करना चाहिए आप लोगों को। कौन सा कॉलम बन जाएगा? बनाए 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 था। किसी का कोई सवाल है वो पूछ ले मुझसे, वरना कंप्लीट करें बेटा। नहीं बिक सकते, पढ़े सवाल। नन ऑफ द प्रोडक्ट इज सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ, थर्ड लाइन ऑफ द पैराग्राफ फर्स्ट। क्या डिपार्टमेंट टू और थ्री में प्रोसेसिंग के बाद ही बिकते हैं? ढूंढने जरा, ये पोलन से डिफरेंट है, ये जो भी पोलन वाला एक सवाल हो रहा था, नहीं मिला। सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, नो प्रोडक्ट इज सेलेबल एट दिस स्टेज। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं यार? ये अल्टीमेट सेल वैल्यू, ठीक है बेटा, ठीक है करें। मगर बता दें फिगर्स, 8,9,000 में कर लें यार, मेरा ख्याल 8,110.080। हरगिज खुदा ना खास्ता आप पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है कि 0.080 क्यों नहीं सोच रहे आप, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राउंडिंग ऑफ की जा सकती है जी। माय डियर नेक्स्ट कॉलम, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, किस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस है? कितना खर्चा है? 1,260। सही फिगर्स ढूंढने डायग्राम देखे मैंने, इसलिए वहां सब कुछ लिख दिया था। 1,260
एंड डिपार्टमेंट थ्री का खर्चा फाइनल बताएं, सोच के बताएं, 1367 को भी आप राउंड ऑफ कर दो, इजाजत है सर जी? सर ये बताइए, डिपार्टमेंट टू और थ्री है, डायग्राम 1260 टोटल कर लिया बेटा हमने, तो 1260 इज द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर्ड विद इन डिपार्टमेंट टू रिलेटेड टू ऑरेंजेस, और नीचे आए जरा 1367.2 लिखा हुआ है, इट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ मैंगोज, लेकिन अब थाउजेंड्स में अगर हम कर रहे हैं तो 0.2 है, अगर आप अलाउ करें तो 0.2 इग्नोर हो जाएगा, ठीक है जी माय डियर। नेक्स्ट कॉलम हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू इट्स अ स्प्लिट ऑफ, जी कैसे 7650 6743 प्रपोर्शन बनाए और फाइनली एलोकेशन कर दें। एलोकेशन किस अमाउंट की करनी है, बस अमाउंट जरा एक दफा देख के बोल दें, बाकी आप कर लीजिएगा। एलोकेशन किस अमाउंट की करनी है, किस डिपार्टमेंट का खर्चा एलोकेट करना है, तो 1375 जो डिपार्टमेंट वन की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको एलोकेट कर दें। करें करें आप कर ले, मैं फिर लिखता हूं। ये टोटल इसका हो जाएगा 14393 एंड 7650 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय एलोकेटेड अमाउंट्स आ जाएंगी 7109 मेरा हल हो जाएगा बेटा राउंड ऑफ, और 6226 6 6266, चलिए ठीक है 6266। ओके जी प्लीज, इनकम स्टेटमेंट में जाएं आप लोग जिन्होंने वर्किंग कर ली, लेन डिसीजन वहां जाके करें करें जरा एक बड़ा काइंडली एक दफा खुद से करके देखें जरा, ये 7109 और 6266 बेटा सबका आ गया यार, ये तो आ गया शेयर फ्रॉम डिपार्टमेंट वन। अब आपने ऑरेंजेस के अगर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालनी है तो क्या करेंगे, करें इधर अपने हाथ से करें, देख लो सेवन वन जीरो नाइन प्लस 1260। प्लीज सब क्लियर है, पहले बता दीजिएगा कहीं अगर मसला है। 8369 मैंगोज के लिए, 6266 इज द शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट एंड प्लस 1367 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन डिपार्टमेंट थ्री। अब ठीक है फिगर्स, 7633 माइनस क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक्स की अभी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो 8369 7633
ये फाइनली बेटा कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, और इसके बेस पे अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। फाइव वन फोर फाइव फोर वन एंड फोर डबल सेवन चेक कर ले मेरे फोर डबल सेवन ठीक है जी फिगर्स 4778110 है दोबारा टैक कर लेंगे सही है फिगर 7633 बट अरसलान मलिक वो रिक्वायरमेंट भी है यार क्या करी जा रहा है यार अरसलान मलिक रिक्वायरमेंट बी के स्टॉक्स मुझे बताई जा रहे हो यार हम कौन सी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं इस वक्त हम तो सी कर रहे हैं बेटा 541 लिख देता हूँ सर ठीक है मैं 541 एंड 477 ये बेटा उसने टोटल मांगा अगर कांडी एक मिनट में जल्द से कर दीजिए टोटल सेल्स ये रोज में जरा सम कर दें 17020 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का सम कर दें जी 16220 002 और फाइनली 1018 एनी कंफ्यूजन सर रिक्वायरमेंट बी पे है रिक्वायरमेंट बी बेटा पढ़ के जरा मेरी एक बात गौर से सुनेगा पढ़े जरा क्या लिखा हुआ क्या चेंज है बस रिक्वायरमेंट बी में से अच्छा बेटा आपके सामने ये पुराना आंसर है जो अभी हमने सॉल्व किया है क्या अगर क्लोजिंग स्टॉक बचे तो हम ये सोच सकते हैं कहां कहां चेंज आएगा नहीं नहीं एक मिनट सर जी एक मिनट सर मौका तो सर चांस तो दें सेल से शुरू करें क्या सोल्ड क्वांटिटी बदलेगी नो सर अब बेटा 198,000 केजी अगर बने हैं और 9800 केजी बच गए हैं तो 198 बिक भी जाएंगे और 9800 बच भी जाएंगे यार कुछ जादू तो नहीं करना बेटा क्या सोल्ड क्वांटिटी चेंज हो जाएगी यार कैलकुलेटर पे लिखे 198,000 ऑरेंजेस के What is 198,000? Production कितने बचे माइनस 9800 इन यूनिट्स की सेल आएगी एंड सेम इज अगेंस्ट विद ऑरेंजेस तो इट मींस सबसे पहले सेल बदलेगी आगे बढ़े कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बारे में तसल्ली से सोचें क्या ये सेम रहेगी क्या ये सेम रहेगी सर जी एग्जैक्टली सेम रहेगी ये यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे Cost of goods manufactured, I'm not talking about cost of sale. Cost of goods manufactured 198,000 kgs और 126,720 kgs ही की रहेगी. Units तो यही बने हैं और इन पे यही cost allocate होगी. Same method है. Method तो नहीं बदल रहे हम कोई. ये same figures हैं. लेकिन क्या इस में से कुछ stock बच जाएगा? तो closing stock की figure आएगी. जो पहले अभी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ रही कैसे आएगी फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस की क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कैसे आएगी उठाएं कैलकुलेटर 8369 क्या है 8369 नहीं है क्या है क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ हाउ मेनी केजीस डिवाइड बाय 198 डिवाइड बाय 98000 अगर थाउजेंड में करना है मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बताएं सोच के बताएं 9800 ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आएगी अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल बदल जाएगी तो प्लीज कहां कहां चेंज आएगा सेल में चेंज आएगा क्यों चेंज आएगा क्यों चेंज आएगा
के स्टॉक बचने से यूनिट्स कम सेल हुए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सेम क्यों रहेगी, तो प्रोडक्शन तो वही है। हाँ, स्टॉक बचने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आएगी, ठीक है सर। जाते जाते उठने से पहले ये बता दें, फाइफो से करेंगे या वेटेड एवरेज से? ओपनिंग है ही नहीं सर, तो सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। तो होमवर्क दे सकता हूँ सर, ये रिक्वायरमेंट दो काम होमवर्क है सर, दो जरा जेन में रिवाइज करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का एक सेकंड सिनेरियो, बी सिनेरियो, 10% ऑफ नॉर्मल लॉस वाला, काइंडली इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ आवर ईयर काइंडली, और इसके बी रिक्वायरमेंट भी करके आइएगा, प्लीज करके आइएगा। कल फिर और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अभी एक दो है अभी। अल्लाह हाफिज बेटा। ओपनिंग स्टॉक ही अगर नहीं है तो फाइफो या वेटेड एवरेज कहां से आ गया? So